हेलो एंड वेलकम टू माय फ्रेंड। अब बात करेंगे हम एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम्स पैटर्न्स और सिलेबस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड सेकंड पेपर में वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर टू का एग्ज़ाम पेपर वन में आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे देन पेपर टू का एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा। नेक्स्ट वन चलते हैं। पेपर वन के सब्जेक्ट और मैक्सिमम मार्क्स के बारे में आपको मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ कि कितने क्वेश्चंस पूछते हैं और कितने मार्क्स के रहते हैं। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करूँ तो इसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 25 मार्क्स कैरी करते हैं। इसी तरह न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में हम बात करें तो 25 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, इसमें भी 25 मार्क्स कैरी किए जाते हैं। मेन जो इसमें दो सब्जेक्ट रहता है, एक इंग्लिश और एक जीके, जो कि इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के। और सेम एज जीके में भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के लिए। और रहा बात अब टाइम की बात, अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट लोगों के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है और जो विजुअली हैंडीकैप्ड है कैंडिडेट उसके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी कि 2 घंटा 40 मिनट्स दिया जाता है। आइए हम नेक्स्ट वन चलते हैं पेपर टू की ओर। तो पेपर टू में हम अगर बात करें सबसे पहले मार्क्स की तो इसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल कैंडिडेट में टाइमिंग 30 मिनट दिया जाता है और जो विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उसको 45 मिनट्स दिया जाता है। और अगर हम बात करेंगे सब्जेक्ट की तो इसमें नॉर्मली पूछा जाता है एसे और लेटर जो कि 50 मार्क्स कैरी करते हैं। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं इस पेपर टू के एग्ज़ाम्स को तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं चाहे उर्दू में दे सकते हैं, जो भी लैंग्वेज है आप इंडिया में जो भी लैंग्वेज चलती है आप उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट वन अब आते हैं सिलेबस की बात करते हैं टायर वन का। तो द पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, ये तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर विल बी 150 क्वेश्चंस फॉर विच कैंडिडेट गेट 120 मिनट। इसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप मैं यहाँ देख लीजिए, जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं 25 25 50 50, यानी कि हो गए टोटल 150 क्वेश्चंस। ओके, तो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें टाइम की तो 120 मिनट्स दिया जाता है और नॉर्मली जो क्वेश्चंस बेस्ड रहते हैं इन्हीं 4 टॉपिक पे बेस्ड रहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करें अगर हम रीजनिंग सेक्शन की जिसमें सिलेबस है और जो नॉर्मली बेसिक सिलेबस है आपका, इसी में ये नॉर्मली बेसिक सिलेबस है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर हम बात करेंगे रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं एमटीएस के तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स एनालॉगी जो रीजनिंग है एनालॉगी, उसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि लेवल उसका इजी ही है। और क्लासिफिकेशन से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इजी है और बाकी बात जो भी टॉपिक है सारे से 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट वन चलते हैं। अब बात करें हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, यानी कि मैथ्स की सिलेबस की बात करें तो जेन्युइन जो सिलेबस आपके एसएससी में रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि किसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की तो इसमें जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं एमटीएस में उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और नंबर सिस्टम से 3 मार्क्स के और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से 2 मार्क्स, बाकी बात 2 मार्क्स 1 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वन चलते हैं। अब जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो ये है इसका सिलेबस
जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, और जेन्युइन जो आप जो नॉर्मली जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो ज्योग्राफी से आ रहे हैं। जी हाँ, ज्योग्राफी से आ रहे हैं, 9 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ रहे हैं, 9 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ रहे हैं, और इंडियन पॉलिटी से लगभग 6 क्वेश्चंस आते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये लोग से ये सबसे मैक्सिमम 5 5 मार्क्स क्वेश्चंस ऊपर ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वन चलते हैं अब हम इंग्लिश की सिलेबस की अगर बात करें तो नॉर्मली आप इसमें समझ सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज है वो आप जानते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है इसमें सैनोनिम्स एंटोनिम्स सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर का सबसे ज़्यादा इसमें यूज हो रहा है, तो ग्रामर। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप 14 मई में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं MTS के, अगर आप उसमें क्वेश्चंस जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।